हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को डिस्कस किया था और उस डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट के अंदर हमने परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करना है, हमें कुछ फ्रैक्शंस लिखे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे ये क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसको सॉल्व करेंगे और जो सेम मेथड हमने अप्लाई किया था प्रीवियस लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए ये क्वेश्चन को मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो देखिए, इसमें चार ईयर दे रखे हैं 2010, 11, 12, 13 और इसमें वीट का प्रोडक्शन दे रखा है यूनिट्स में। अब वो यूनिट्स में मिलियन टन भी हो सकता है या फिर लैक्स में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी है, सिंपल एक वैल्यू लिखी है। तो हम वैल्यू को ही आगे फाइंड आउट करेंगे। तो वीट का प्रोडक्शन दे रखा है 2010 में 50, 55, 60, 65, ईयर वाइज है। अब कितना है, टन में है या फिर केजी में है, ये मैंने इसको हटा दिया है। उसी तरह से राइस का प्रोडक्शन दे रखा है 55, 60, 65, 70। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, तो कुछ मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो मैं आपको उसके देखते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि हमको वीट का बताना है परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू राइस इन ईयर 2010। ओके, मैं क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर देता हूं, लिख देता हूं। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारे लिए है परसेंटेज ऑफ वीट विद रिस्पेक्ट टू राइस इन ईयर 2010। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमको परसेंटेज निकालनी है वीट की विद रिस्पेक्ट टू राइस इन 2010। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, अब इसे हम फॉर्म करते हैं। अब देखिए, 2010 में वीट का प्रोडक्शन था 50 और राइस का प्रोडक्शन था 55, यानी 50 और 55 यूनिट है दोनों का। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है इसमें से। तो मैंने बताया था आपको, जब भी हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं उसको हमें ऊपर रखना है और जिसमें से निकालना है उसको हमें नीचे लिखना है। तो करते हैं इसको। तो यानी वीट का जो है यूनिट है वो 50 है और राइस का है 55। तो यानी 50/55, ठीक है, ये रेशियो आ गया इनका। अब हमें इसको परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो इसको हम इस सिंपल रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपली, तो हमें आएगा 10/11 आ गया। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%, 9.09% था। अब हमें निकालना है 10/11 को, तो 10/11 यानी 1/11 से हमको 1/11 से हमको 10/11 करना है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10/11 और यहां पर आ जाएगा 90.9%। ओके, तो यानी वीट की वैल्यू राइस की वैल्यू की 90.09% है, 90.09% है। ओके, बहुत सिंपल है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए अभी स्टार्टिंग के लिए किया है। तो एक बार फिर से आपको मैं बताता हूं कि जिसका परसेंटेज आपको निकालना है उसको आपको ऊपर रखना है, ओके, जिसमें से निकालना है उसको नीचे रखा आपने, और आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं आपको सिखाने के पर्पज से। तो इसका हमारा जो रेशियो को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 10/11, तो 10/11 आ गया। अब 10/11 को निकालने के लिए हमको पता है 1/11 कितना होता है, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इनके सारे रेशियो और फ्रैक्शन बताए थे। कि फ्रैक्शन बता दिया, अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/11 इक्वल्स टू 9.09। अब इसको इसमें से बनाना है, यानी 1/11 से 10/11 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 10/11 इज इक्वल्स टू 90.9%, यानी वीट की वैल्यू राइस की वैल्यू की 90.09% है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब देखिए, हमारे पास
हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उससे पहले आप जरा इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। ये क्वेश्चन क्या है, मैं इधर फैक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप जरा इसको खुद क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिएगा, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ राइस विद रिस्पेक्ट टू वीट इन 2012, ओके। यानी हमको बतानी है कि राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू से कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है इन ईयर 2012, ओके। यानी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ राइस विद रिस्पेक्ट टू वीट इन ईयर 2012, इसको जरा समझ लीजिएगा आप। मैंने क्वेश्चन को बस ऐसे ही फ्रेम कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए 2012 में वीट की वैल्यू है 60 और राइस की वैल्यू है 65। अब किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू से कितना ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंक्रीज बोला है तो हमें इंक्रीज निकालनी है, ठीक है। अब डिक्रीज होता तो हम डिक्रीज की वैल्यू को, अब इसमें एक्चुअल में ऑलरेडी इसमें इंक्रीज दिया हुआ है इसलिए हमने इंक्रीज लिखा है, अदरवाइज अगर डिक्रीज होता तो हम डिक्रीज निकालते। अब देखिए हमें कितनी, अब राइस की वैल्यू है 65 और वीट की वैल्यू है 60, हमें इनका एक तरह से कितने परसेंट ज्यादा है राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू से। अगर हम नंबर के टर्म में देखें, राइस की वैल्यू 65 है, वीट की वैल्यू 60 है, तो नंबर के टर्म में 5 ज्यादा है। अब ये 5 ज्यादा है किसमें से ज्यादा है, किससे कंपेयर करना है, 60 से करना है, ठीक है। तो 65 - 60/60 = अब देखिए मैं परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं हर केस में 100 को नेगलेक्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5/60। अब 5/60 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्या मैंने बताया था हम इसे फिर से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/12। ये देखिए 5/60 को हम 1/12 लिख सकते हैं। अब 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, आप लास्ट लेक्चर की जो मैंने आपको बताया था 1/12 की वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हैं, उसमें मैंने डायरेक्ट बताया था आपको 1/12 की वैल्यू। तो 1/12 की वैल्यू होती है 8.33%, यानी राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू से 8.33% ज्यादा है। बहुत सिंपल टर्म में बना दिया आपके लिए। तो ये जो रेशियो थे, जो फ्रैक्शन लिखे थे हमने लास्ट लेक्चर में, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनको जितना याद रखेंगे उतना आपके लोगों के लिए याद क्या करना, अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑलरेडी वो सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालनी थी, यानी राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू से कितने परसेंट ज्यादा है ये निकालना था। तो राइस की वैल्यू 65 थी, वीट की वैल्यू 60 थी। अब कोई कहेगा कि भाई आपने 60 क्यों नीचे लिखा, राइस की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, बट देखिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, डिनोमिनेटर में रहती है, और न्यूमिनेटर में वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। आराम से इसमें हमने निकाल दिया 65 - 60/60 = 5/60, तो इसको रेशियो को हमने कन्वर्ट किया 1/12 = 8.33%, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी राइस की वैल्यू वीट की वैल्यू की 8.33% ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा परसेंटेज से अलग है, मैं थोड़ा दूसरी टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं आपको, वो भी बहुत जरूरी है, एवरेज की तरफ। एवरेज मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, बहुत इजी तरह से आपसे हो जाएंगे। अब हमें एक क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि देखिए ईयर में देखिए वीट का प्रोडक्शन जो है 50, 55, 60, 65। अब क्वेश्चन आ सकता है
व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हाट इज द एवरेज, अब कोई ईयर नहीं है, आपको एवरेज निकालना है व्हीट का, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। मैं लिख देता हूं थर्ड क्वेश्चन, आपको एवरेज एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीट, कुछ भी आप समझ लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीट ये निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू को ऐड कर दें और डिवाइड बाय जितनी वैल्यू है, यानी 50, 55, 60, 65 को ऐड करो और उसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 क्यों, क्योंकि हमारे पास चार ही वैल्यू है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो जरा देखें हम क्या करते हैं, 50, 55, 60, 65 डिवाइड बाय 4। एक तरीका तो आप लोगों के पास ये है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, आप चारों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या आंसर आएगा वो आप लोगों के लिए पीछे मैंने छोड़ दिया है, बट मैं इससे ऐसे इस तरह से नहीं करेंगे, जो एक लॉजिकल वे है थोड़ा सा, वो थोड़ा स्टार्टिंग आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, बट जब वैल्यू बहुत सारी ज्यादा होंगी उस केस में आपके लिए बहुत आसान, ये आसान काम करेगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप जो जो मैं आपको बता रहा हूं जरा उस मेथड से आप करके देखिएगा, शायद आप लोगों के लिए सिंपल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अब 50, 55, 60, 65 ये चारों वैल्यू हैं, हम क्या करते हैं किसी एक वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं, कोई सी वैल्यू को एवरेज मान लेते हैं। मैं क्या करता हूं 55 को एवरेज मान लेता हूं, इस वैल्यू को मैं एवरेज मान लेता हूं। अब इस वैल्यू को मैंने एवरेज मान लिया कि भाई वीट का जो एवरेज है वो 55 है, वैसे नहीं है, हो सकता कुछ और आए, बट अभी मैंने एज्यूम कर लिया, लेट मी द एवरेज वैल्यू इज, एवरेज वैल्यू इज 55। ओके, नाउ एक मेथड मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। अब मैं इन चारों को एक तरीके से निकालूंगा, अब देखिए 55 लिख दिया मैंने एवरेज, अब मैं स्टार्टिंग से लेता हूं, क्यों मैंने 55 बता लिया मैं बताता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। मैं 55 की जगह कुछ भी ले सकता था, बट मैं चाहूं मैं वही वैल्यू रखूं जो इन चारों की वैल्यू है, क्यों है एक बताता हूं अभी आपको मैं। 55 देखिए, 55 और 50, अब मैंने अगर एवरेज 55 ले लिया है तो ये 50 की वैल्यू कम है उससे, तो कितना कम है, -5, ठीक है -5 हो गया। अब मैंने एवरेज 55 लिया तो ये 55 -55 जीरो आ जाएगा। दूसरा 60, 55 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, +5, 65, 55 कितनी वैल्यू ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, डिवाइड बाय 4, तो कितनी कितना वैल्यू की टर्म में बढ़ा। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 से 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी हमारे पास जो वैल्यू है 10 बची और 10 को डिवाइड बाय किया 4 से, तो हमारे पास आंसर आया 2.5। अब देखिए आंसर जो है प्लस में आया है, तो यानी हमारा जो एवरेज है जो हमने अज्यूम किया था उससे 2.5 ज्यादा है, यानी ये 2.5 55 के अंदर ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 57.5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कुछ और भी ले सकते थे अपनी तरफ से तो भी उसी का यही आंसर आता। तो अब देखिए मैंने 55 ही क्यों लिया, अगर मैं किसी एक वैल्यू को इसका एवरेज मान लूंगा तो मेरी एक वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो मेरे को कम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं जो इसमें नहीं है, तो भी आंसर आपका करेक्ट आएगा, ये मैंने आप लोगों के लिए ऊपर छोड़ दिया। तो आप कैसे करना चाहेंगे आपके लिए, तो 55 माना मैंने, 55 को अब मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो 55 से इसकी वैल्यू कम है, कितनी कम है, -5 है, ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट जीरो है, ये वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये 65 जो है वो भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आया 10 बचा, 10 को डिवाइड बाय 4 किया तो 2.5 हमारा आंसर आया एवरेज में, यानी इतना एवरेज हमारा बढ़ गया, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 57.5। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, बस हमें एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीट की जगह हम एवरेज वैल्यू ऑफ राइस निकाल के देखते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ राइस, ओके,
यानी व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ राइस इन ऑल द ईयर। राइस की वैल्यू पहले ईयर में 55 है, देन 60, 65, 70। ओके, सेम वही मेथड अपनाएंगे हम आपके सामने। आप किसी भी एक वैल्यू को हम एवरेज मान लेते हैं, जो भी आपको मानना आप मान लीजिए। मैं चलिए 60, 65 को मान लेते हैं इस बार, 65 को एवरेज मान लेते हैं। अब 65 को अगर आप एवरेज मानेंगे तो लेट द एवरेज बी 65। एवरेज हमने 65 मान लिया। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू एवरेज से कितना कम है, 10 कम है, और कितना यानी एवरेज हमारा ज्यादा है, तो यानी कितना आएगा -10। यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करिए -10, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5। अब देखिए ये वैल्यू सेम है यानी 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना ज्यादा है, केवल 5 ज्यादा है। अब डिवाइड बाय कितना करेंगे, कितनी वैल्यू हमने करी है, 4 करी है। तो चलिए करके देखते हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 0 का कोई वैल्यू मतलब नहीं, यानी -10/4, यानी ये भी माइनस में 2.5 आ गया, यानी माइनस का 2.5। हमने एवरेज कितना मारा था स्टूडेंट, 65, यानी 65 में से 2.5 हम माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 65 - 2.5 विच इज इक्वल टू 62.5। ठीक है, तो चाहे तो आप एवरेज निकालने के लिए इन सभी वैल्यूज को ऐड करते और डिवाइड बाय 4 कर देते, एक तरीका वो भी है। ये स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट इसमें आसानी इसलिए ये है, आपको इतनी सारी नंबर जो लंबी लंबी टर्म्स हैं वो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि मेरा जो एवरेज है ऑलमोस्ट सारी वैल्यू ऑलमोस्ट सही कहीं ना कहीं क्लोज है, तो मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू से भी किसी भी एवरेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी था एवरेज का। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर में 4 क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए थे, तो आपको हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो आप वीडियो को पॉज करके इनके क्वेश्चंस को खुद आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। मैंने या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करें, एकदम स्टार्टिंग है, तो अभी मैं आप लोगों का जो लेवल है वो आगे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा करने से आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, क्योंकि डीआई के सेक्शन के ऊपर काफी लोगों ने मुझे मेल करके बोला था कि डीआई के लिए अलग से मैं बताऊं आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने डीआई का ये लेक्चर नंबर 2 है, इसी तरह से मैं करीबन 8-10 लेक्चर्स डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर डालूंगा, जिससे आप लोगों को जो भी अगर कोई परेशानी अगर आती है तो आप मुझे मेल करिए, या फिर यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको फिर भी, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आपको कोई और भी हमें कोई सलाह या कोई किसी तरह का एडवाइस करनी है तो भी आप लोग हमें मेल कर दो। ओके स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।